पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये लाइनें तो आपने अपने बड़ों से सुनी होगी। वो हमेशा कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या कोई सच में पढ़ाई के बारे में सोचता है या उसे सही एजुकेशन मिल रही है? पूरी दुनिया में यानी ग्लोबल लेवल पे करीब 315 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से 13.3 मिलियन हैं जो कि अबव 30 एज यानी 30 साल के ऊपर के लोग हैं, और करीब 12 लाख लोग हैं जो 60 साल से ऊपर है, यानी कि पढ़ाई हर एज में चल रही है कंटिन्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, अकॉर्डिंग टू द 2011 सर्वे, नेशनल एजुकेशन बजट जो कि 99 करोड़ यानी कि 14 बिलियन डॉलर आया था, फिर भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें हम गवर्नमेंट का ज्यादा दोष भी नहीं दे सकते और ना ही किसी और का दे सकते हैं। 2011 में हुए सर्वे के अनुसार इंडिया में लिटरेसी रेट सिर्फ 74% है, उनमें से 82% मेल्स है और 69% फीमेल्स। यहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आज भी हमारे देश में करीब 8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते किसी कारणवश, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और हो। और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है, लक्षद्वीप में है, और सबसे कम में आए तो इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो आजकल ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं ना कि गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसा क्यों? लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में है ना कि गवर्नमेंट में, जबकि जो गवर्नमेंट का टीचर है वो खुद कंपटीशन में जाके कंपटीशन को फाइट करके आज गवर्नमेंट टीचर बना है, फिर भी लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में डालना नहीं चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है केयर एंड अवेयरनेस, यानी कि स्कूल वालों की केयर और पेरेंट्स की अवेयरनेस। इसका कारण कई लोग हैं, कई लोग में ये आते हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो किसी को एजुकेशन नहीं देना चाहते, वो जाते हैं सिर्फ टाइम पास करते हैं स्कूल्स में और अपना काम करके और अपनी दिहाड़ी लगा के आ जाते हैं, यहाँ पे आके गाड़ी टूट जाती है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है। सबसे पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि स्कूल्स में सिर्फ रटा रटाया ज्ञान ही पढ़ाया जाता है, जो किताबों में छप गया वो पढ़ लो रट लो पास हो जाओ बस, यही कहते हैं, चाहे टीचर को देख लो चाहे पेरेंट्स को, पढ़ और पास हो जा अच्छे नंबरों से, क्या उसके बाद वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है? प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। स्कूल्स में हमें ये जरूर पढ़ाते हैं कि हुमायूं कब आया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बिजनेस क्या है। स्कूल्स में जो लेसन के लास्ट के आंसर्स है वो सारे बताते हैं, लेकिन कोई लेसन पढ़ाना नहीं चाहता ताकि वो आंसर अपने आप आ जाए। प्रैक्टिकलिटी की कमी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम मैं बोलूँ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, वो है एब्सेंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में तो कॉम्पिटिशन्स होते भी हैं ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ लोग आते हैं और चले जाते हैं, वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती जो बच्चों के माइंड को ग्रो कर सके, उनको मजबूर कर सके कि वो सोचे कुछ और अपने आप को एक्सप्लोर करे। तो ये चीज की कमी है, इनसे जो उनकी पर्सनल स्किल्स है वो ग्रो नहीं हो पाती, तो इस प्रॉब्लम को भी समझना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम बोलूं तो ये बहुत बड़ी है, वो है एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। बचपन से ही हमारे माता पिता ले लो या हमारे टीचर्स ले लो या हमारे परिजन या रिश्तेदार जो भी है, हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सारे यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो अच्छे नंबर लेके आओ और एक अच्छी सी नौकरी ले लो, अच्छी नौकरी होगी तो एक अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी होगी फिर जिंदगी अच्छी कटेगी। यानी सिर्फ लोग सारे यही कहते हैं कि नौकरी एक लास्ट गोल है, क्या सच में ऐसा है? सिर्फ नौकरी ही आपको बचा सकती है? बचपन से ही हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है कि नौकरी ही करनी है, जॉब ले लो पैसे कमाओ, जॉब ले लो पैसे कमाओ, आराम की जिंदगी जियो, लेकिन कोई बिजनेस के बारे में बात करता है? आज भी इंडिया में नौकरी के पीछे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने लोग हैं, जहाँ पे 10 की जरूरत होती है वहाँ पे 10,000 लोग आते हैं। तो कंपटीशन की तो बात की जाए उतनी कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन क्या कोई बिजनेस करना चाहता है? क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है, लोगों ने उन्हें बताया ही नहीं है, उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है बिजनेस के बारे में। कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ये हमें ये जरूर सिखाते हैं कि हाउ टू फाइट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। पिछले 9 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 4.8% और बढ़ चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, जिनको नौकरी मिल जाती है वो तो
आराम से अपनी सारी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिलती वो या तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या छोटे मोटे काम करके जो उनके लायक नहीं है वो करके अपना गुजारा करते हैं। एक प्रॉब्लम और है जो कि पहले से है, वो है कास्ट रिजर्वेशन एंड पेड सीट। यानी कि जिन लोगों को सच में जरूरत है उनको कॉलेज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनके लिए ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा पैसे वालों के लोग क्या करते हैं, सीट्स को खरीद लेते हैं और वहां पे आके गाड़ी फंस जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम ही है, इससे जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते। लेस टेक्नोलॉजी, यानी कि स्कूल्स में टेक्नोलॉजी की कमी। फिर एक चीज और है जो कि आजकल ज्यादातर लोग देखते हैं, वो है मीडियम। सिटी साइड में लोग ज्यादा इंग्लिश मीडियम में ही बच्चों को डालना पसंद करते हैं, लेकिन गाँव में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है वहाँ जो भी है उसमें ही डालते हैं। लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सिर्फ किताबी ज्ञान है वो इंग्लिश में होता है, बाकी जो भी होता है वो नॉर्मली होता है। और मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके आसपास के माहौल से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन प्रॉब्लम्स को बारीकी से समझा होगा और हम सब मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कैसे भी कैसे फ्यूचर में, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम बेटर हो सके और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो सके, यानी डेवलप हो सके। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।